विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों का LNMU पर धरना। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में अपनी मांगों के समर्थन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में महाधरना का आयोजन समिति के अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय के संबद्ध महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों तथा सभी कोटि के कर्मचारियों ने भाग लिया। धरनास्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा चंद दिनों में ही घटना अनुदान या वेतनमान दिया जा रहा है, वहीं बिहार सरकार भी वेतनमान देने का मन बना चुकी है, परंतु मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा संबद्ध महाविद्यालयों की शिथिलता तथा मनमानी के कारण वेतनमान देने में देरी होगी। इस मौके पर प्रोफेसर प्रभु नारायण झा, ज्योति रमन झा, मधुरंजन प्रसाद, सीनेटर सदस्य राम सुभोग चौधरी, विष्णुदेव सिंह, राम नरेश सिंह, अजय कुमार, डॉक्टर कुशेश्वर सहनी, डॉक्टर सुरेश राम, चंद्रशेखर झा, अंजनी कुमार सिन्हा, नरेश राय, रमेश ठाकुर, रंजीत झा आदि मौजूद थे। जो 70% न्यायाधीश के आदेश से 70% का भुगतान हो, तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद सृजन हो और पोर्टल पर महाविद्यालय से जो सूचना मांगी गई है वो सूचना उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। समिति के बैनर के नीचे हम कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र चार सूत्री मांग के लग हम सब गेल रही, जाहिमे एकटा मांग छै 70% कॉलेज के जे आंतरिक आमदनी छै से आमदनी के हमरा सबके अहाँके पाई भेटक चाहिए, जे नहीं भेट पाबि रहल छै ओकर वित्तीय आकेंक्षण होय जे अहाँके विश्वविद्यालय ओकरा देखे, ताहि पर अहाँके माननीय कुलपति महोदय एग्री कयलनि। नंबर दू मांग छै जे थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के जे पद सृजन नहीं भेल छै ताहि लेल एगो पत्र गेलै, तऽ किछु कॉलेज के एलियै डाटा, किछु के नहि एलियै, तऽ कहलनि जे ओही पत्र के हम फेर से रिपीट कऽ दै छियै। तेसर मांग छै जे 2019 मे जे पद सृजन भेल रहै से पद सृजन के मतलब कि अहाँ के ओतय जे ई कॉलेज में शासी निकाय ओकरा स्वीकृत कऽ कऽ नहीं पठेलकै यऽ, ओहि लेल सेहो करबै। और चारिम जे छै जे राज्य सरकार के पोर्टल पर सभक जे अहाँ लिस्टिंग नहीं भेलैया ताहि लेल सेहो विश्वविद्यालय तऽ कहलकै विश्वविद्यालय एक सप्ताह के अंदर ई काज कऽ दै छै, हमहूँ सब कहलियै एक सप्ताह के अंदर नहीं होयत, दू सप्ताह के बाद हमसब अहाँ संबद्ध महाविद्यालय संघर्षित महाविद्यालय के संगठन के लोग आए थे, हम विश्वविद्यालय से उनको कोई गरीबांश विश्वविद्यालय से उनकी मांग नहीं है, उनकी मांग यह है कि उनकी जो शासी निकाय है विभिन्न कॉलेजों की वो 70% पैसा उनको नहीं दे रही है। सरकार की चिट्ठी है कि सरकार जो पैसा देती है वो 70% अपने कर्मियों में बांटे। हम लोग सरकार के आदेश के आलोक में 7 जुलाई 2021 को ही सभी शासी निकायों को, सभी अध्यक्ष को, प्रधानाचार्यों को, कॉलेजों को चिट्ठी दे चुके हैं कि सरकार जो पैसा देने के पैसा स्वीकृत करने एवं उस पैसा को बांटने के लिए जो आदेश दिए हैं, जो शर्त लगाए हैं, उस पर पूरे रूप पर आप बांटें। लेकिन विभिन्न शासी निकाय उनको नहीं दे रही है। वो शिक्षक सब आए थे, हमने सम्मानपूर्वक उनका मांग पत्र ले लिया है। अब सरकार ने तो पोर्टल बना दिया है कि जिसको जितना पैसा देगा उसको पोर्टल पे करना होगा, उनकी मांग पत्र को फिर हम लोग सरकार के पास भेज देंगे, पुनः सभी कॉलेजों के प्रबंधक को भेज देंगे कि आप उनकी मांग जायज़ है, जुनून है, उनको मांगिए। इसलिए आज का धरना जो है वो विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं है, वो अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि चूँकि वो सभी कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज है, हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, परीक्षा हम लेते हैं, सरकार पैसा हमारे माध्यम से देती है, तो हम नियम कानून विश्वविद्यालय का नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो हम लोग जाँच करा के सरकार को लिखेंगे। तो आज का धरना देना उचित नहीं है इन लोगों? नहीं, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी मांग को लेकर क्या है तो उचित और उचित नहीं होने का क्या सवाल है, वो देंगे क्यों नहीं देंगे, वो विश्वविद्यालय हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं, सभी समस्याओं के निदान के लिए बैठे हुए हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।